अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। तो देखिए, आज हम ये बहुत ही प्यारी सी स्लीव से पे डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही नाजुक सी और एक प्यारी सी डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को किस तरह से हम बनाएंगे अभी हम देखेंगे। एक स्लीव से पे मैंने तैयार कर लिया है, अभी दूसरी स्लीव से पे हम बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने सिल्क धागा लिया है, 5 धागे करके, जैसे कि मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। आप लोग अगर मेरे वीडियो पे देखते होंगे तो देखिए, 5 धागा मैंने करके बनाया है। और 5 धागा किस तरह से बनाया है उसके वीडियो भी है, आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग आसानी से धागा बना सकें। और गोल्डन बीड्स मैंने लिए हैं, स्मॉल साइज़ की है ये बीड्स। मैंने पिरो लिए हैं धागे में बीड्स किस तरह से पिरोते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग आसानी से धागा बना सकें और बीड्स जो है पिरो सकें। तो चलिए, अभी हम ये प्यारी सी माशाल्लाह डिज़ाइन बनाना हम शुरू करते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और नीडल मैंने ली है 11.07 mm की। सबसे पहले तो हम स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब नीडल पे एक बार धागे को ले लेंगे और जहाँ से स्लीव्स हमारी जुड़ी होती है वहीं से हमें अटैच करना है, इस तरह डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। अब एक चेन डबल क्रोशिया थोड़ी दूर पे, फिर एक चेन थोड़ी सी दूर पे डबल क्रोशिया, इस तरह एक चेन डबल क्रोशिया के साथ। ये बेस लाइन हम पहले तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए बनाते जाना है बेस। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड वालों में शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए फिर अभी बेस तैयार करके फिर मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए, बेस हमारी पूरी तैयार हो गई है। यहाँ पे आखिरी में एक चेन लेते हुए ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। अब बैक साइड में आ जाएंगे। अब एक राउंड अभी हम और बनाएंगे बेस लाइन की मोतियों के साथ में, 3 चेन और ये पहले स्पेस में बना लेंगे डबल क्रोशिया करना है। 2 धागे से पहले आके बाहर आ जाएंगे, फिर एक बीड से लगा लेनी है इस तरह। फिर एक चेन नेक्स्ट वाले स्पेस में इसी तरह बनाएंगे डबल क्रोशिया बीड्स के साथ में, फिर एक चेन सारे स्पेस में इसी तरह बनाते जाना है। बीड्स के साथ ये लाइन पूरी करते हैं फिर मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ तक आ गई हूँ, ये लाइन हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आखिरी में एक चेन लेके इसमें भी बना लेंगे इस तरह। अब एक चेन और यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसमें यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, 3 चेन और सीधी तरफ आ जाएंगे। अब सीधी तरफ से हम एक राउंड और बना लेंगे बिगेर बीड्स के, बिगेर मोतियों के बना लेंगे, इसमें डबल क्रोशिया इस तरह। अब एक चेन और सारे स्पेस में डबल क्रोशिया बनाते जाना है एक चेन लेते हुए, ठीक है। इस तरह से ये राउंड में पूरा करती हूँ फिर मिलते हैं। तो
तो इस तरह से देखिए ये राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह। अब एक चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम बीट्स लगाएंगे। अब जैसे ये बनी है ना डिज़ाइन, ये अब हम लाइन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए ये वाला राउंड बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें 12 बीट्स लगानी है। पूरे पे 12 ही 12 लगानी रहेगी इस तरह। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। अब एक चेन लेते हुए 3 स्पेस में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेते हुए करना है इस तरह से। अब फिर 12 लगाएंगे। और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए 3 स्पेस में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से फिर 12 लगाएंगे। इसी तरह से पूरे पे लगाते जाना है बीट्स। एक चेन लेते हुए 3 स्पेस में और बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये राउंड में पूरा करते हुए यहाँ तक आते हैं, फिर मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरे में बीट से लग गई है इस तरह। इस तरह से अभी हम बीट्स को जॉइंट करेंगे। यहाँ तक मैंने लगा लिया है और यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास 3 स्पेस है ना, तो यहाँ तक बना लेंगे एक चेन सिंगल क्रोशिया। तो अगर यहाँ पे आपकी स्पेस थोड़ा कम ज़्यादा हो ना, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं बीच में कहीं भी थोड़ा सा एक सिंगल क्रोशिया आगे पीछे करते हुए, तो आप अपनी डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे में भी यहाँ पे एक स्पेस कम है, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे इसी तरह से बना लेंगे करके। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। और ये देखिए 3 बीट्स पे 1 2 3 तीसरे के यहाँ पे अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह। अब इस तरह धागे को निकाल देंगे और इस तरफ वाली तीसरी जो बीट्स है यहाँ पे अटैच करेंगे हम इस तरह से। अगर मुश्किल हो ना, तो आप इससे भी कर सकते हैं बैक साइड में आके। ये जो तीसरी बीट्स है ना यहाँ पे इस तरह से दोनों तरफ की बीट्स को जोड़ देना है। अब 3 चेन और ये तीसरी वाली बीट्स में बनाएंगे इस तरह। 3 इधर हो गई, 3 इस तरफ हो गई। अब 3 यहाँ पे भी बनाएंगे, 3 चेन लेते हुए ये तीसरे पे बनाना है सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब इस तरफ वाली बीट्स में जोड़ देंगे यहाँ पे देखिए तीसरे पे। तो इसी तरह से पूरे बीट्स पे हमें जॉइंट करते जाना है 3 चेन लेते हुए। अब इस तरफ वाले में जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से पूरी बीट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में। फिर उसके बाद आगे डिज़ाइन कैसे बढ़ेगी देखते हैं।
तो इस तरह से देखिए पूरी बीट से ज्वाइंट करते हुए यहाँ आखिरी तक आ गई हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पे हम चेन लेते हुए सारे बीट्स के ऊपर ज्वाइंट करेंगे, 7 चेन लेते हुए करेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनी है ना इसी में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइंट करना है इस तरह। फिर 7 चेन और सारे सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से बनाते हुए पूरी करना है। फिर 7 चेन इसी तरह पूरे पे बना लेते हैं फिर मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बना ली हूँ इस तरह, पूरी बीड्स हमारी ज्वाइंट हो गई है। अब यहाँ पे हम पहले यहाँ स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम 3 चेन और इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर 1 चेन डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन डबल क्रोशिया, 3 बार इस तरह बना लेंगे। अब 1 चेन इसके सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह, फिर 1 चेन इसमें 3 बार बनाएंगे इसी तरह से 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया इस तरह, फिर 1 चेन और सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस राउंड में बनाते जाना है, 1 चेन इसमें 3 बार डबल क्रोशिया, 3 बार चेन में बनेगी, 1 बार जो है सिंगल क्रोशिया के ऊपर। ठीक है, इसी तरह बनाते हुए मैं इस राउंड को पूरा करती हूँ फिर मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ आखिरी तक बनाते हुए आ गई हूँ। आखिरी वाले चेन में भी 1 चेन सिंगल क्रोशिया 3 बार बनी है। अभी 1 चेन लेके एक बार यहाँ पे ये वाली सिंगल क्रोशिया पे बना लेंगे इस तरह से। अब 1 चेन लेके यहाँ पे जो है स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। इस तरह करने के बाद अब 3 चेन और बैक साइड में आ जाएंगे। बैक साइड में आके ये पहली वाली जो डबल क्रोशिया या स्पेस है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया और बीड्स के साथ में बनाएंगे इस तरह। फिर 1 चेन नेक्स्ट वाले में बनाएंगे इस तरह से, फिर 1 चेन सारे स्पेस में बीड्स के साथ ये राउंड हमें पूरा कर लेना है। इस तरह देखिए बनाते जाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ आखिरी तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे 1 चेन लेके ये एक स्पेस हमारे पास है इसमें भी बना लेंगे इस तरह। अब 1 चेन और यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हर बार की तरह स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब 3 चेन और सीधी तरफ आ जाएंगे। अब एक राउंड हम बनाएंगे बिगैर मोती के। ठीक है, पहले में डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेते हुए सारे स्पेस में बनाते जाना है। तो बस इस राउंड को हम इसी तरह से पूरा कर लेते हैं, फिर इसके बाद वाला राउंड जो है बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ तक बना ली 1 चेन डबल क्रोशिया पूरे में। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। अब बैक साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम बॉर्डर का एक आखिरी राउंड बना लेंगे। 1 चेन लेके इसमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 3 चेन और
क्रॉस में बनाएंगे चार डबल क्रोशिया बीट्स के साथ में इस तरह चार बना लेना है। इस तरह की चार बन गई, दो छोड़ के तीसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर तीन चेन और क्रॉस में चार डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह देखो, फिर दो छोड़ेंगे तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन क्रॉस में चार डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हम बनाते हुए बॉर्डर को पूरा कर लेंगे इस तरह, तीसरे में डबल क्रोशिया। ठीक है, तो मैं बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर किस तरह से यहाँ पे हम डिज़ाइन को एंड करेंगे, धागे को किस तरह कट करेंगे वो हम देखेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ आखिरी तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक दो तीन स्पेस बाकी हैं, तो यहाँ पे हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये दो स्पेस बाकी होते, बस हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देते स्लिप स्टिच से, तो हमारी ये बॉर्डर जो है पूरी हो जाती। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एक चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से कर देंगे ना, तो इस तरह से भी आपकी बॉर्डर देखिए बन के तैयार हो जाएगी। एक इस तरह से कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और इस तरह से फूल बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक ही गैप को छोड़ते हुए इसमें बना लेंगे। तो जो भी तरीका आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा बना के, अच्छा दिखे उस तरीके से बना लीजिएगा। वो थोड़ा सा स्पेस दूर हो जाएगा, इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं कि एक फूल बना लेंगे फिर ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह करके। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह देखिए कर देना है। अब यहाँ पे एक या दो चेन लेते हुए हम धागे को कट कर देंगे, तो इस तरह देखिए मैंने धागे को कट कर दिया। अब धागे को ऐसे खींच के लॉक कर देंगे और बैक साइड में धागे को जो है कवर कर देना है थोड़ी दूर पे फंसाते हुए इस तरह से। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से जुड़ के डिज़ाइन हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को डिज़ाइन अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस डिज़ाइन को हम और भी अलग अलग तरीके से थोड़ा सा बना सकते हैं, और ये जो जैसे एक पैटर्न यहाँ पे बना है ना, तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह और तरीके से मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फिर आगे किसी वीडियो में। ठीक है, और देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम डिज़ाइन को नेक पे किस तरह से बना सकते हैं। देखिए ये नेक की कुछ इस तरह से सिलाई हुई है बारीक बारीक से ऊपर तक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से इस पे डिज़ाइन को बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।